हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बात करते हैं हम इस एक और ऑटो एक्सपो की वीडियो के बारे में, क्योंकि ऑटो एक्सपो 2023 की अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अगर आप ऑटो एक्सपो नहीं जा पाए हैं तो आप चले जाइए दोस्तों। इसकी 18 जनवरी लास्ट डेट है और इसका टिकट भी ओनली 350 रुपये का चल रहा है दोस्तों। तो आप जाइए ऑटो एक्सपो, ये ग्रेटर नोएडा में है, जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बात करते हैं हम ऑटो एक्सपो की एक और वीडियो के हॉल नंबर 3 के बारे में। अब से पहले आपने देखा था टोयोटा, मारुति सुजुकी, विंटेज कार, गाड़ी, आइसर, वोल्वो, बस बहुत सारे देखे हैं। अब हम हॉल नंबर 3 में आ चुके हैं, जहां पर आप किया और हुंडई की जबरदस्त गाड़ियां देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहां पर हुंडई के हॉल में हुंडई ने बहुत ही अच्छा दर्शकों के लिए किया हुआ है। यहाँ पर एक रोबोट आप देख सकते हैं, ये हुंडई का रोबोट है, जैसे देखो लोगों का बहुत एंटरटेन हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आइकॉनिक फाइव गाड़ी दोस्तों। इस गाड़ी की लॉन्चिंग पर शाहरुख खान भी आए थे ऑटो एक्सपो के फर्स्ट डे, और लास्ट डे 18 तारीख को भी आई थिंक कोई ना कोई सेलिब्रिटी आने वाला है दोस्तों। हुंडई ने कंपटीशन कराया है रोबोट के साथ, डांस आप देख सकते हैं। ये ऐसी एक्टिविटी आप इन ऑटो एक्सपो में पहली बार देखोगे, जिस तरीके से लेडीज डांस कर रही हैं, रोबोट भी उसी तरीके से डांस कर रहा है दोस्तों। आप इसका एंटर तो इस हॉल में आने के बाद आप भी इसका मजा ले सकते हैं। आइकॉनिक 5 गाड़ी, जिसका उद्घाटन करने के लिए शाहरुख खान आए थे हुंडई की दोस्तों। हुंडई ने बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई हुई हैं, आप यहाँ पर आ सकते हो। ये है आइकॉनिक 5 का ब्लैक कलर में, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे किया की कौन कौन सी गाड़ी आई हुई हैं, और ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि गाड़ी के अंदर किस तरीके से सीटें हैं, 4 सीटें किस तरीके से कंफर्टेबल हैं, आप बैठ कर आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, फील ले सकते हैं। और अगर कोई ट्रेवलिंग का शौकीन है तो हुंडई ने अपना एक पूरा सेटअप लगाया हुआ है, जो हम लोग पहाड़ों पर या कहीं भी आउटिंग ट्रेवलिंग करने के लिए जाते हैं, तो दोस्तों पूरा एक टेंट लगाया हुआ है, म्यूजिक का सिस्टम है, गाड़ी है इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही है। तो आइकॉनिक 5 इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स पर बहुत जोर दिया है हुंडई ने भी, अपने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ईवी व्हीकल्स में निकाली हैं, ईवी गाड़ियाँ काफ़ी लेके आया है। एक्चुअली में सभी कंपनियों ने ईवी पर बहुत जोर दिया है अब की बार ऑटो एक्सपो 2023 में दोस्तों। अगर आप नहीं आ पाए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऑटो एक्सपो की लगभग सारे हॉल्स की सभी कंपनियों की गाड़ियां मैंने अपनी वीडियो में दिखाई हैं। तो अभी हम हुंडई एक स्मार्ट सिटी बना रहा है दोस्तों, ये एक हुंडई का हेलीकॉप्टर, उसने पूरा एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये नोएडा और आगरा एक्सप्रेसवे पर कहीं हुंडई ने जगह ली हुई है, ये उसका पूरी लोकेशन एक दिखाई हुई है। तो जो दिल्ली और आपका नोएडा और आगरा मथुरा को जोड़ कर रखेगा। तो जैसे ही हम इस शोरूम से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक और गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और अब हम आ चुके हैं किया कंपनी। दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि किया कंपनी कौन सी देश की है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक खूबसूरत मॉडल किया कंपनी की ईवी सिक्स गाड़ी को दिखा रही है, तो हम इस गाड़ी को देख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, लाइटिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो आप इस हॉल में आइए, और अब मैं आपको किया की और अच्छी अच्छी सुंदर गाड़ियाँ दिखाता हूँ, और कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर किया लेकर आया है। ये किया की शेल्टोस गाड़ी है, किया शेल्टोस, ये एक और कलर में शेल्टोस गाड़ी ही है, जिसके दो कलर यहाँ पे हैं, वाइट कलर और एक आपका नेवी ब्लू कलर। तो अब किया की शान दो गाड़ियाँ जो किया आने वाले टाइम में लॉन्च करेगा, जो सब गाड़ियों को फेल करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो किया की गाड़ियाँ हैं इस हॉल में लगी हुई हैं, पब्लिक इनको देख रही है, एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों अगर आप नहीं आ पाए तो 18 तारीख लास्ट डेट है,
ऑटो एक्सपो की, तो आप यहाँ पर आइए और भरपूर लास्ट दिन का मज़ा लीजिए, क्योंकि 3 साल में ऑटो एक्सपो लॉकडाउन के बाद अब की बार ही लगाया है और नेक्स्ट 2024 में आएगा। तो दोस्तों ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में नियरेस्ट नॉलेज पार्क परी चौक के पास मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर आप आ सकते हो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो, और वीडियो का मज़ा लीजिए दोस्तों। चलो हम और वीडियोस देख और गाड़ियों की रेंज भी आई है ईवी में। अगर गाड़ी की स्पेसिफिकेशन आपको जाननी है तो हर गाड़ी के पास में किया ने, हर कंपनी ने स्पेसिफिकेशन लगाई हुई है। आप उसकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन क्या नया है क्या पुराना है वो सब उस गाड़ी के बारे में जान सकते हो। बारकोड स्कैनर भी है, आप उसको बारकोड के द्वारा स्कैन करके भी उस गाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये भी एक किया की बहुत बेहतरीन गाड़ी, सेल्टोस का एक एडवांस वर्जन है दोस्तों। तो ईवी गाड़ी पर बहुत जोर दिया है, हर कंपनी ने दिया है एक्चुअली में, टोयोटा ने, सुजुकी ने, मारुति ने, आपकी आइसर ने, बस, ट्रक, टाटा, एमबी, तो सब गाड़ियों का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो और आएगी अभी।